The heading is motion in a straight line. Motion in a straight line. तो सुनो बोले कि पछरे नोट्स पहले लिखने को ये भी बुझो भाज हाँ चलो मैकेनिक्स व्हाट इज मैकेनिक्स ठीक है भूल गए लो से कॉलेज में मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कौन बोलो फिजिक्स सॉरी मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स तापर कौन बोलो Which deals with the study of motion of a object koila khali motion no rest and motion rest or motion mane gote body te rest re achi ba motion koruchi tar study kore ta ko kahuchi mechanics first hela mechanics is a branch of physics which deals with the study of rest or motion of a body body ta rest thile ta apra ame study kariba body ta मोशन रे तो आपरे आमे स्टडी करिवा तो रेस्ट आ मोशन रे के पुनी ताको केतना भाग करा हिची दि भाग रे भाग करा हिची एक नंबर रे आसीबा कोनो स्टैटिक स्टैटिक मैकेनिक्स नॉट स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक मैकेनिक्स माने कोनो व्हेन ए बॉडी इज इन रेस्ट द स्टडी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज केप्ट इन रेस्ट और व्हेन इट इज इन रेस्ट माने द बॉडी ता रेस्ट रे अछि सेटा आमे कोन कहिबा स्टैटिक मैकेनिक्स जदी रेस्ट रे अछि ताको आपे कोइबा स्टैटिक मैकेनिक्स तापरे सेकंड रे से कोनो काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स थर्ड रे आसीबो डायनामिक्स एटा कोनो स्टडी स्टडी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज इन रेस्ट स्टैटिक टा हेगला गोटे बॉडी टे रेस्ट रख ता विषय में पढ़ी सीटा कहला स्टार्टिंग मैकेनिक्स डायनामिक्स कटा कह बॉडी जो गोटे मोशन रे थो मूव कर थो ताटा कह काइनेमेटिक्स डायनामिक बॉडी गोटे मूव कर थो ताको भी कहबो डायनामिक्स तने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के डिफरेंस कोन रहला डायनामिक्स विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन एटा विथ नोइंग द कॉज ऑफ मोशन माने डायनामिक्स हला गोटे बॉडी टे मोशन करू किंतु काही की मोशन करछि तार कोज तमे जानिनो कोज किसी जानिया दरकार ही नै सेटा हे जो तमरो काइनेमेटिक्स गुटे बॉडी टे मोशन करूछ काही की मोशन करछ त पछर कारण के तमे जानुछ तार स्टडी करछ सेटा हे जो तमरो कोन दीटा को कोन हबो जतरे बॉडी टा मोशन करथबो ता पर स्टडी करे टा हे जो कोआ जो किंतु काइनेमेटिक्स कोन हबो विदाउट नोइंग द कोज ऑफ मोशन दिया ना वो नोट छन्या हो चुका है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन बॉडी टेक ऑफ मोशन रे थिबो मोशन कर थिबो किंतु ता मोशन रो कारण कोन तमे जानि परबो बा ता कारण ऊपर तमे किछ पड़ न थियो सेटा हिजो काइनेमेटिक्स जनरल तमे कहला कोन बस जाउ छी कार जाउ छी काहे कि जाउ छी ता पछरे कोन कॉज अछि ताकू टॉर्क मिलला एनर्जी मिलला से मूव करला फ्रिक्शन फोर्स करला ये पूरा दुनिया रो कॉज जे किछ पड़ी होनी सेटा हिजो तमरो काइनेमेटिक्स जदि कोज पढ़ी कि तमे करिवो तने एटा कोन हेजो डायनामिक्स ट्रेन जाउ छी काहे कि जाउ छी कोज जाउ एटा कोन विथ नोइंग द कोज एटा भी सेम मोशन एटा भी सेम मोशन बॉडी मोशन करतुगो तापर तार कोज जानतो काहे कि मोशन करू छी सेटा हेजो तमरो डायनामिक्स डायनामिक्स कोन बॉडी मोशन करतुगो कि कोज जानतो काहे कि कोज तमे खाली पढ़ियो का जाउ जाउ तो जाउ छी कहीं की जाऊँ कौन जाऊँ तापे किसी नेस्ट करते हैं ये सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स रो फिजिक्स स्टैटिक काइनेमेटिक्स तो इतने तापे सब कौन डिस्कशन कर ले रेस्ट और मोशन डिस्कशन कर ले तो रेस्ट कौन व्हाट इज रेस्ट उससे ना सिर्फ तुम व्हाट इज रेस्ट तापे व्हाट इज मोशन रेस्ट कौन मोशन कौन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टाइम अनुसार जदि गुटे बॉडी टे तार पोजीशन चेंज करू नथिबो सेटा कोहा हो रेस्ट हो छे मन करे टेबल टा पड़ी छे जे जे तमे चेंज न करछो से जे से कोन से जगह पड़ी थी मोशन करूनी
तनेटा को हाला रेस्ट आउट इज सो मोशन करूची विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड मोशन रेस्ट कोण जतर पोजीशन चेंज करू विद रिस्पेक्ट टू टाइम बुझियाला रेस्ट और मोशन ता पर मते को एक्चुअली रे हम दुनिया रे किछि ऑब्सोल्यूट मोशन रे अछि कि ना 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 के भी किछि भी रेस्ट ना ऑब्सोल्यूट रेस्ट रे किछि भी ऑब्जेक्ट अछि ना नाही किछि भी नाही माने तपताने होची तमे जेंति कंसीडर करछ तमे ताने केमिति सूर्य तो एक्चुअली रे वर्ल्ड रे बाय पूरा होल यूनिवर्स रे एमिति भी किछि सब्सटेंस नाही जेडा कि मोशन करू सब ओडा को मोशन करछ तो से बाय ऑब्सोल्यूट रेस्ट रे किछि भी नाही ऑब्सोल्यूट रेस्ट माने कोन पूरा कांस्टेंट हो टाइम अनुसार जम्मा भी चेंज होतो जेमि कि सेमिति होतो सेमिति किछि भी नाही सब किछि मूव करछ इट्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एउटा तो और पॉइंट आछ जे कोनटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने जणक पाई आ जणे रेस्ट बा मोशन करि पाथे एक्चुअली रे किछि जणे मोशन सब के रेस्ट ना दे जेमि कि सूर्य सूर्य जारे बटे पृथ्वी घुरुछि तले सूर्य आमो पाई कोन पृथ्वी पाई मा आठटे आ जो ग्रह छथि ता पाई कोन सूर्य हे गेला कांस्टेंट कहां पाई आमो पाई कांस्टेंट बट एक्चुअली रे सूर्य ता सौरमंडल को लेकि मूव करछि गैलेक्सी बुझि पाछु कि नै महाकाश से से भी मूव करछि धीरे 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 बहुत धीरे धीरे के स्लो मोशन रे होछि जे तुम जानि पाछु जेमि कि पहाड़ पहाड़ देखि छौ पहाड़ के खय होछि कि नै प्रति वर्ष टिकट के इंडिया खय होछि के तुमने आज देखि छौ जेमि देखा समिति किंतु 200 वर्ष पर जे पहाड़ देखि देखि समिति नथि तो सही बढ़िया ऑब्सोल्यूट रेस्ट रे किछि भी नै इट्स डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आमे बसचे पृथ्वी रे आमे पाए पृथ्वी कोन अछि स्थिर अछि तमे जानि पाछो पृथ्वी मुह करछि बोली जानि पाछो तमे पृथ्वी घुरुछि तमे त मुह जानि परे अथन घुरुछ बोली के तमे पाए कोन होइ छि पृथ्वी डा होइ छि स्थिर तो सही के आसो गुटे टर्म आसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एउटा को इजी डेफिनेशन सेने मु लेखोनी पुरा निजे पढिले आराम से मनो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोण माने गुटे वस्तु रो मोशन करछ ना सो पढी थो वेलोसिटी एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेल किछ किछ जानि थो सो जतर जान लो सुनि लो तने 989 में पढी सो बस किछ सुनि जवा कथा बोछ ओ से पूरा डिटेल जान सको किछ तो सुनि जो से जो गुटे दिन सर वेलोसिटी बाहर करछ गुटे दिन सर एक्सीलरेशन बाहर करछ बा ता डिस्टेंस केते कवर बला बाहर करछ केमि जवा करछ गुटे पॉइंट को कोण करछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो छ जब भी तमे तरे स्थान को जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ थलो ओरिजिन ना कोन होतलो ओरिजिन रो सब जिंस आपन थलो कि नै तमे तरे यूनिट बाहर करथलो एटा एक्चुअली डिस्टेंस रे अछि माने करो ए मेरा थे काटी ए ए पॉइंट ना एक्चुअली डिस्टेंस अछि केउ बा मतलब ओरिजिन रो बोलो तर से ओरिजिन ता सेतले ता पे कोन हे जाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस जतर तमे किछ हम कैलकुलेशन करिया के हेले हमर फ्रेम ऑफ रेफरेंस न होबो के कुछ बर छै सेटा हला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जमिनी की स्टार एक स्टार कोन आमोटु बहुत दूर रे अछन किंतु आमो केमि देखाउ छ छोटटा देखाउ छ जे दूर रे अछि तो सेइ बोलिया जे तळे माने सेति आमो पाई तारा कोन देखाउ छ छोट किंतु एक्चुअली से छुलो कि आमो पाई सेला फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने गुटे पॉइंट तो कैलकुलेट जो करबो सेटा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नै कि एटा नै कि ताको स्थिर मन करबो सेउ पाको कैलकुलेट करबो जेति कि तमे जो जति सब ट्रैवल करछि कोन माने गुटे कार जाउ छि बाइक जाउ छि बा बस जाउ छि एरोप्लेन जाउ छि तार जो वेलोसिटी तुम बाहर करछो केमि बाहर कर पाछो एक्चुअली वेलोसिटी तुम केबे फाइंड कर पा काने तुम एदा पढिबो अतरा तीनटा जिंसो टाइम जिंसो आ जो स्पेस टाइम पोजीशन जतरा जो स्पेस रे तेतरा तुम्हारो रिलेटिविस्टिक फार्मूला आछो आइंस्टाइन को तो कितो आमे तो एबे जनरल कैलकुलेट करछो कार टा गलो 40 किलोमीटर पर आवर से बोला 60 किलोमीटर पर आवर केमि कैलकुलेट करछो ता पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उडे लोछ कोडा लोछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को लोछ अर्थ ता पे हे उछे स्थिर तेणु सहीथे के स्पीड में जाऊँच आम कालकुलेट कर कि स्पेस को रकेट पठाऊ से खाली सिंपल कैलकुलेसन होनी जो आर्थ को जो रोटेट करेंगे भी कैलकुलेसन कराऊ
ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷ ଏତେ ହେବନି, ମାନେ କେବଳ ସିମ୍ପୁଲ ଆଠ ମିନିଟ୍ ବାହାରିବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଳେଇଲା, ଆଠ ହିଁ ମୁଭ୍ କରୁଛି ନା, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି କରାହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ସିମ୍ପୁଲ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ନେବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିକି ନେବା, ଯେମିତିକି ତୁମେ ହେଉଛି ବାହାରିଲ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ କୋଲକାତାରୁ ଯିବ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ବା ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲ ଟ୍ରେନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲ ଟ୍ରେନ୍ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ନା ମିଳିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦୁଇରୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ର ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ନେଉଛ, ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ ତୁମର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଅଧିକା ବି ହେଇଯିବ, ବାରଟା ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ, ଦୁଇଟା ବଗି ରହୁଛି ତମର କ'ଣ ପେଣ୍ଟ୍ରି, ଛଅଟା ଏସି ବଗି ରହୁଛି ଥାର୍ଡ଼ ଏସି, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ଦୁଇଟା କି ଗୋଟେ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏସି, ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ ଏସି ରହୁଛି, ଫେର ମାଲ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆଗର ଇଞ୍ଜିନ ଦୁଇଟା ବଗି, ପଛ ଆଡ଼େ ଯିଏ ରହୁଛି ଗାର୍ଡ ତାର ବଗି, ମାଲ ପାଇଁ ମଝିରେ ରହୁଛି, ହବନି କେତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଗି ଏତେ ଏଇଠୁ କେତେ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶୁଣ ଭଲେ କି ଶୁଣ, ଟ୍ରେନ୍ କଥା ବେଶୀ ଭାବନି, ବୁଝିଗଲ? ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ମାପିକି ଆସିକି କହିବ, ଯେତେ କିଲି ହଉ, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି, ମନେକର କଲ୍ୟାଣୀ ବା ଲାଷ୍ଟରେ ସିଏସ୍ଏମ୍ଟି, ତମର ହେଉଛି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନାଲ, ତାର ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଲେନ୍ଟା କ'ଣ ନେବା, ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଠି, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲେନ୍ଟା କନସିଡ଼ର କରିବା, ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲମ୍ବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଭର୍ କରୁଛେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେମ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ନେଇ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଟ୍ରେନ୍ର ଲମ୍ବାଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଭାବିବା, ତା ଲମ୍ବାଟା ପୁରା ନେବା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ତାରା ଆମ ପାଇଁ ଯେ ମାପୁଛେ, ତାରା କେତେ ଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ମେଜର୍ କରେନି, ଆମଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଥିବାରୁ ତାରା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ସେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାଇଛି ବହୁତ ଦୂର, ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୁଳନାରେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ହେଲା ତମର ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ। ପୁଣି ମସଲ ଆମେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ କରିଥିଲା, ମସଲ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ କାହିଁକି କହୁଛେ, ନା ମସଲ ପୁଣି ତିନି ଭାଗ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଭାଗ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ, ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ, ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ, ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ। ମସଲ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ କି ଡାଇମେନ୍ସନାଲରେ ଯିବ, ମସଲ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛ, ଡାଇମେନ୍ସନ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯାହା ତମେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଜ୍ୟାମିତି ସ୍ଥାନିକ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ିଥିଲ, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍, ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍, ଜେଡ୍ ଏକ୍ସିସ୍, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍, ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍, ଜେଡ୍ ଏକ୍ସିସ୍, ତିନିଟା ଏକ୍ସିସ୍ ପଢ଼ିଥିଲ, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମାନେ ଇଫ୍ ଦ ମୋସନ୍ ଓନ୍ଲି ସ୍ପେସିଫାଇ ୱାନ୍ କୋଡ଼ିନେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଥ୍ରୀ କୋଡ଼ିନେଟ୍ସ। ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟା ଡାଇମେନ୍ସନ କହୁଛ, ତିନିଟା କୋଡ଼ିନେଟ୍ ରହୁଛି ଏକ୍ସ, ୱାଇ ଆଉ ଜେଡ୍, ଯଦି ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମୋସନ କେଉଁଟାକୁ କହିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟେ ମୋସନ କରୁଛି ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଡାଇମେନ୍ସନରେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସିସ୍ରେ, ତିନିଟା ରହିଲା ମନେକର, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ, ଏଇଟା ହେଲା ଜେଡ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏ, ଏ ଯିବ ବି ଯାଏ, ଏଇଠୁ ବାହାରିଲ ଏ ରୁ ବିକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ରୁ ବିକୁ ଯେଉଁ ମୋସନ କରୁଛି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟଟେ, କେଉଁଥିରେ କେଉଁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ମାନେ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସ କୋଡ଼ିନେଟ୍ରେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ବିର ପୋଜିସନ୍ ତମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତମର ୱାଇ ଆଉ ଜେଡ୍ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କିଛି ଦରକାର କି? ଏଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଦେବ, ଏଇଠି ଏ ନେଇଯାଅ, ବଡ଼ ଚିତ୍ର କାଟିକି ଦେଖ, ଏଇଠି ଏ ନେଇଯାଅ, ଏଇଠି ବି ନେଇଯାଅ, ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଜିରୋ, ଏଇଟା ହେଲା ୱାନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଟୁ, ବୁଝ ବୋଲି ଜିନିଷଟା ଡେଫିନେସନଟା କିଛି ପଚାରିବନି, ବୁଝିବା ଦରକାର ପାଠ, ଏ ହେଲା ୱାନ୍, ବି ହେଲା ଟୁ, ତାହେଲେ ଏ ରୁ ବି କୁ ଯିବ, ବା ଏ ପୋଜିସନଟାକୁ ଦେଖେଇବ, ଏ ଥିଲା ବି କୁ ଗଲା, ଆ ପୋଜିସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ଦେଖେଇବ, ଖାଲି ଦେଖ ୱାନ୍ ଜିରୋ ଟୁ ଜିରୋ ଏମିତି ଦେଖିବ କି ନାହିଁ, ଏ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ର କିଛି ଅଛି କି, ଆ ଦେହରେ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସିସ୍ର କିଛି ଅଛି କି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ପେସିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ତା ପୋଜିସନ୍ ସ୍ପେସିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଦେଖିବ ତମେ, ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ସ୍ପେସିଫାଏ କରିପାରୁଛ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସିସ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛ ଯେ ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କେତେଟା ଏକ୍ସିସ୍, ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସିସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସିସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ, ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମୋସନ, ଯଦି ଦୁଇଟା ଏକ୍ସିସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମୋସନ, ଯଦି ତିନିଟା ଏକ୍ସିସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମୋସନ, ମାନେ ଇଏ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କାହା ଉପରେ, ଗୋଟେ ବଡି ପୋଜିସନ୍ ଉପରେ, ଯଦି ତାର ପୋଜିସନକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିନୋଟ୍ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମୋସନ, ଯଦି ତାର ଅବଜେକ୍ଟଟା ଦୁଇଟା ଡାଇମେନ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଇମାଜିନ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନ।
तो फास्ट वन डायरेक्शन डेफिनेशन कोड को मैं कह रही हूं इफ ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज स्पेसिफाइड बाय ओनली वन कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स देन इट्स मूविंग इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन माने तुम पूरा स्ट्रेट लाइन ले जाओ तुम एक रास्ता पे जाओ पूरा स्ट्रेट जाओ छो कि मूव करछो ना एकदम सोडे जाओ छो जब तो पूरा स्ट्रेट रे जाओ माने करो ना टॉय माने करो ना टॉय कारण की लाइन से पूरा लाइन ले जाओ सेपरेट पर जाओ पूरा और स्ट्रेट रे जाओ गुटे पॉइंट आउट पॉइंट जाई पहुंच जाओ ताने कौन हे जाओ वन डायमेंशनल मोशन ले जाओ तो वन डायमेंशनल मोशन रो एग्जांपल कौन हो ताले वन डायमेंशनल मोशन रे ताने एग्जांपल कौन हो डेली लाइफ में देखो जको भाभी को ट्रेन लाइन ट्रेन लाइन जते स्ट्रेट पर जाओ छत्र हे जो ट्रेन लाइन आउ कौन हो वो अपन को जो बोले रे कि नहीं फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए बॉडी गछरो आंबो खसुची यदि पवन पवन किसी एक्सटर्नल फोर्स ता पर पड़ोनी सिंपल ओडे लाइन ने खसियो कि नहीं तरो फास्ट ए दियो फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए बॉडी इफ ए कार मूव इन अ स्ट्रेट लाइन खड़ा है जो वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल बुझियाला बुझी पाछो कि नहीं बुझी पाछो ना बुझी पाछो तने एथी कोण जो ए रु बी बुझाओ जो केतरा कोऑर्डिनेट देखो छे ओनली गुटे कोऑर्डिनेट शो करो तलो हेरा गेला वन डायमेंशनल मोशन मने करो आउ कोण एकदम पोजीशन एबे देखा टू डायमेंशनल मोशन एबे देखा टू डायमेंशनल मोशन देखो माने करो दीटा पॉइंट अछि एग्जांपल लो बुझो माने करो दीटा पॉइंट अछि गुटेला ए आउटेला बी ए रो कोऑर्डिनेट केते x1 y1 केमे निर्धारण करो माने बुझु ने स्थान को जाबे x1 y1 x2 y2 निर्धारण करना माने करो x1 एटा माने कोन एटा माने करो ओ सेंटर ऑफ ओरिजिन पवित्र वाड बोलो एटा धर ए x1 y1 तने ओ रे डॉटेड जुडो ओ रे केते डिस्टेंस वोर वे केते डिस्टेंस हो एउटा ती केते डिस्टेंस करा हो ए पॉइंटटा केते हो x1 y1 x1 एई वळे अछि बाबू एई पॉइंटटा 1 आउट 2 अछि भलो की लक्ष्य करो कंसंट्रेट करो माइंड 1 टू 2 अछि ए पॉइंटटा को हम डिनोट करछ दीटा कोऑर्डिनेट डिनोट करछ x भी आउ y तो एटा 1 आउट 2 अछि माने एउटा ती डिस्टेंसटा केते हो 1 वा एउटा डिस्टेंस ता केते 2 बुझि पर्छ कि नै x एक्सिस रे 1 अछि y एक्सिस रे 2 अछि जोडा देखि ना बिस जोडा देखि नि माने एउटा ती 1 एउटा ती 2 बा एटा 1 एटा 2 माने एटा सेला होछि केते 1 आउ 2 माने ए जो पॉइंट ता अछि दीटा एक्सिस रे अछि दीटा एक्सिस द्वारा मेडिटेट पर्छ गुटा हला 1 आउ 2 x रे 1 y रे 2 क्लियर माने ए डी पडिया समय ए पॉइंट माने केते डिस्टेंस रे छ x1 माने ए डिस्टेंस ता केते हो y1 क्लियर तब ए उ डिस्टेंस है कहता हूं b पॉइंट पे जॉइन करो x2 ए उ डिस्टेंस है कहता हूं x2 ए डिस्टेंस है कहता हूं y2 ताने a पॉइंट का को जगह पे अछि ताको तुम देखिया पई हले तुम जे पचारियो एटा केटी अछि तुम कोन देखियो x1 y1 देखो माने x रे x एक्सिस रे x1 डिस्टेंस रे y एक्सिस रे y1 डिस्टेंस देखि तुमरो तुम जे लोकेशन मांग छि लोकेशन रे कोन देखो छि तब सर डायरेक्ट सिंपल नाम आके मार दो तो अलग था किंतु एक्चुअली लोकेशन पठिया पाए जेवन सदर यूज कर छन के हमरो पारा कमांडो जो अटैक करते वाला कोन अटैक हला उरी अटैक के हला सोले से अटैक त एग्जैक्टली लोकेशन केमे दिबा छथि तम पृथ्वी रो द्राघि कोन अटैक होते अक्षांश द्राघिमा ता द्वारा केते डिग्री केते इयर पूरा डिनोट होई सही पॉइंट जाई पहुंचो पर डिनोट केमे हो जाय 3 डायमेंशन रे डिनोट हो तमरे 2 डायमेंशन डिनोट कर छ बुझि मार छ कि नै पोजीशन टाके देखो मुबे भी से एई जागा रे अछि से ना हमे त पोजीशन देखले कोन मारियो एटा त कोन देखो तने पोजीशन तने ए आ बी रो पोजीशन देखया पई तमो केतरा एक्सिस यूज हला कि दीटा एक्सिस यूज हला ताने एटा की डायमेंशन रे जीवो बुझि पार छ तने ए रु बी बुझिया पई कोन हे जीवो टू डायमेंशन तो कोन लिखियो द मोशन ऑफ एन बॉडी
The motion of an object is said to be two dimensional if its position is specified by two coordinates out of three coordinates. Theta coordinate to the theta that is specified by the motion of a body in a straight line. Mane two dimensional quadrant. Tabular example kono hobo. Example kono hobo. A car moving on a zigzag road. कार जिगजैग अगर मूव करो तो साइकिल चलो जो पूरा तो स्ट्रेट चलो तो तुम हां पूरा स्ट्रेट जाइए मोशन ऑफ एन आर्क मोशन ऑफ आर्क अराउंड सर स्ट्रेट लाइन पे जाओ बुझी आला तने ए रु बी पॉइंट जो जाउ छी एटा माने मैथमेटिकल एग्जांपल कोन हो जो ए रु बी पॉइंट जाउ छी जिगजैग पाथ रे वाला एटा रे वाला टू डायमेंशन तावे थ्री डायमेंशन कोइयो कोडियो तो बुझ पाइले थ्री डायमेंशन माने कोन हो जो तीनटा कोऑर्डिनेट तीनटा कोऑर्डिनेट बुझिया पाई जे से घरर कोण को आबो घरर कोण को आबो हेलो से घरर कोण बा ऊपर कोण जाय भाबो हां एक्स वाई जेड कहला जेड तर एडी मु जो ठिया आइ छे मु जो ठिया आइ छे एडी मो पोजीशन रे जाय पा केतरा कोऑर्डिनेट यूज हला तने मु एडी जो मूव करबे आ ऊपर छे डायरेक्शन रे मु कर तर बसी छ बा तण एरोप्लेन जाउ छी रॉकेट जाउ छी के डायरेक्शन रे जाउ छी ता पोजीशन डिनोट कोय पयने एथि जति एक्स आ वाई उला रास्ता रे जाउथलो मने कर एटा हला रास्ता ए पोजीशन कोन उला एपटे ए सेपटे वाई दिना करथलो मन रास्ता उरे मूव करियो तर हाइट हेड पुरे आस्तला कि नै तर एने केतरो एक्सिस दरकार हो तीनटा दरकार हो ता मने कर एटु गुटे ऑब्जेक्ट अछि इमेजिन कर एटु गुटे ऑब्जेक्ट अछि तो एक्स रे रहला वाई रे रहला जेड रे रहला केमित रहबो एउटे दिगे एक्स एउटे दिगे वाई एउटे रहला जेड जेमिते एउटे दिगे एक्स1 एउटे दिगे एक्स2 y1 y2 उठला छला जेड भी रहजो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पिक्चर से बुझे हो 8 8 अछि हम एटा x लेखलो तने एउटे दिगे डिस्टेंस के हो x से पुट तळु कोण लेखलो जेड बुझि पाछ ना इमेजिन करो ऑब्जेक्ट केडा x x सेपटे वाला y सेपटे आछला जेड 8 ऑब्जेक्ट आछी एही लाइन ता कोण देखे एउटे दिगे डिस्टेंस आइ जबो जेड माने एही जो हाइट ता टोटल दिगे जबो जेड ए पुट्टा है जो कहते x1 माने कोडा x1 y1 z1 अछि अन एउटे दिगे कहते जो x1 सेम जति कहते जो y1 एउटे दिगे कहते आउट ऑफ जेड एठी अछि सेम साइन x2 y2 z2 बुझि पाछ त अरे ए ए ए ऑफ जेड एठु एडी आसीबो तर केउ थरे आसला थ्री डायमेंशनल आसला त पोजीशन डिनोट का द्वारा करछ इफ ए बॉडी मूव्स अदरवाइज यू कैन से ए बॉडी सेड टू बी इन थ्री डायमेंशनल मोशन इफ इट्स पोजीशन is specified by three dimensions tinta coordinate jota specify kar eta hai jo tomar kon three dimensions ame motion in a straight line padhi amane straight line pura gutte line one motion padhiya puri tomar ahuri kichhi achi tum kp onsare sar padhebe kintu ame agu agu padhiya tomar rectilinear motion circular motion tapare tomar rotational motion asibo rectilinear motion kota asibo jena straight line meta achi seta ku kahaja rectilinear motion तर वन डायमेंशनल मोशन रो अदर नेम होची आल्सो रेक्टिलिनियर मोशन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सेटा हला रेक्टिलिनियर मोशन तो नेक्स्ट क्लास रे पढिबा हां हां थ्री डायमेंशन रो एग्जांपल कोन हिजो मोशन ऑफ ए फेर गेट रोटेशन उठे गेले बोलुची मोशन ऑफ प्लेन एरोप्लेन काई उडौचो से सब आछो थ्री डायमेंशनल नेक्स्ट क्लास रे पढिबा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी